हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म, यानी कि टूरिज्म की एक इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस होती है। सबसे पहला है टू गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जब कोई टूरिस्ट बाहर से आता है तो वो एक जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, अपॉर्चुनिटीज़। मिसाल के तौर पर अगर कोई पाकिस्तान में आता है घूमने के लिए, तो सबसे पहले उसको टूरिस्ट गाइड चाहिए होगा, उसके बाद उसको जो है वो एक टैक्सी चाहिए होगी, उसके बाद एक होटल में एक रूम चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्रमोट करती हैं किसको, एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। टू अर्न फॉरेन करेंसी, क्योंकि जब भी कोई बाहर से आता है आपकी कंट्री में टूरिस्ट, तो वो आपको फॉरेन करेंसी यानी डॉलर्स में पे करता है, तो आपकी जो डॉलर्स की शॉर्टेज है कंट्री में वो भी पूरी हो जाती है। टू शो आवर स्किल एंड नॉलेज, यानी हमें मौका मिलता है पूरा कि हम अपना स्किल्स और नॉलेज को जो है वो शो कर सकें। प्रजर्व आवर कल्चर एंड रिलीजियस हेरिटेज, यानी कि हमें अपने जो है वो मौका मिलता है कि आप अपने कल्चर को प्रेजेंट करें, अपने मजहबी रस्म और रवाज को प्रजर्व करें दूसरों के सामने। इंक्रीज आवर लोकल गुड्स एंड प्रोडक्शन, यानी टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमसे ख़रीदते हैं, बहुत सारा सामान खरीद सकते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारी लोकल गुड्स और प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैनी इकोनॉमीज़ रिलाई ऑन टूरिज़म। दुनिया में बहुत सारी इकोनॉमीज़ हैं जो जिनका बड़ा इन्हसार जो है वो टूरिज़म पे है। जैसे दुबई है, दुबई का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, टूरिज़म है। बैंकॉक है, थाईलैंड का शहर जो है बैंकॉक है, वो सबसे बड़ा सोर्स है टूरिज़म का। उसके अलावा आपके पास सिंगापुर है, मलाइशिया है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो जिनकी इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है, टूरिज़म पर डिपेंड करती है। अच्छा जी, उसके बाद है इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, ये नेशनल इंटीग्रेशन को भी सपोर्ट करती है। इट सपोर्ट कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिकॉज फॉरेनर्स लाइक दीज प्रोडक्ट्स, जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, मैनुअल बनी हुई चीज़ें हैं, उनको भी प्रमोट तो होती है इंडस्ट्री की, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स हाथ से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। इट क्रिएट्स फ्रेंडली रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, यानी ये क्या करती है, दूसरी कंट्रीज़ के साथ आपको फ्रेंडशिप बनाने का मौका देती है। इट प्रमोट्स इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, और ये इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाती है। उसके बाद है टूरिज़म इज़ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, टूरिज़म क्या है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। इट इज़ द सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, यानी ये गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है, क्योंकि गवर्नमेंट इससे क्या करती है, जब भी कोई टूरिस्ट बाहर से आता है तो वो वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, टिकट के लिए अप्लाई करता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको वीज़ा के बदले में उनसे पैसे चार्ज करती है, दूसरी चार्ज करती है, तो ये आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। तो पाकिस्तान में टूरिज़म की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास बहुत सारी जगह हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, अच्छी फैसिलिटीज़ देनी होगी, पीसफुल इन्वायरमेंट देना होगा, फ्रेंडली एटीट्यूड प्रोवाइड करना होगा, तभी हम इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, पाकिस्तान जिंदाबाद।